हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मैथ्स के आई सेट का सॉल्यूशन कराएंगे, टोटल आंसर की देंगे ऑब्जेक्टिव का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए थोड़ा लेट हुए हैं लेकिन आपके लिए लाए हैं 100% सही आंसर, ठीक है 100% सही है तो मिलाइएगा। देखिए आपके सामने आपका पहला सवाल है, कॉस इनवर्स 1 + x² / 1 + x², इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, 2 tan inverse x। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 sin inverse x, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, sin inverse 3x + 4x³। देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत किया गया है, बहुत बहुत मेहनत करके आपको ये बनाया जा रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 10 inverse -1/√3, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, -π/6। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, sin sec inverse x + cos sec inverse x, इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1। ये हम आई सेट कर रहे हैं, ठीक है सेट आई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 tan inverse 1 + 1/3 + tan inverse 1/7, इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 4π/4। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये वैल्यू दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका भी डिटर्मिनेंट है, तो इसका 7 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, इसका भी 0। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी डिटर्मिनेंट है आपका, 8 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है ये ए क्यूब निकालना है आपको, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 4a, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा, 4a। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सममित अवयव, ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है आपके लिए बनाया है 100% सही, थोड़ा लेट हुए हैं लेकिन आपके लिए क्वालिटी लेकर आए हैं, ठीक है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे सारे के सारे आंसर सही आंसर पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहे हैं कि आपका अवकलन समीकरण दिया गया है, इसका हल, ठीक है तो 11 का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, xy = k। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अवकल समीकरण आपको इसका हल जो है, 12 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, x / y = k, ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो आपका सही आंसर x / y = k। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अवकल समीकरण dy/dx + py = q, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आपका इंटीग्रेंट फैक्टर निकालना है, तो क्या होगा, इसका सही आंसर जो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है pdx। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, j.k×i, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1 होगा, ठीक है वीडियो को लाइक करते चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी सही से सही आंसर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, xyz, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 15 का डी हो जाएगा, zxy, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, dy/dx e^2x³, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3x² e^x³, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, d/dx log 3x, 3 का पावर x, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, log 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, d/dx 1/sin x + e^2x, तो 18 का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, -cosec x cot x + e^2x। क्वेश्चन नंबर 19, k×i×j, इसका सही आंसर जो है वो आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है log 2 dx का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, x log 2 + k, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण होता है, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, x/a + 1/y/b + z/c = 1। क्वेश्चन नंबर 22, मूल बिंदु से बिंदु इतने की दूरी, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5√2। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये आपको दो बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी बोल रहा है,
तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13। क्वेश्चन नंबर 24, यदि ए और बी दो घटनाएं हो तो, ये आपका बताना है, ये इवेंट दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 24 का बी हो जाएगा, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डी अपन डी एक्स साइन 2x, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, 2 cos 2x। क्वेश्चन नंबर 26, डी बाई डी एक्स टेन के एक्स, तो 26 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, के sec स्क्वायर के एक्स। 27, एक्स प्लस 2 डी एक्स, तो 27 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस 2x। हम लोग सेट आई कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी सेट हो आप वीडियो को रोक कर वहां से आप मिला सकते हैं, ठीक है, तो इससे कोई बहस नहीं, हम लोग सेट आई कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये आपको दिया गया है, 1 इंटीग्रेशन है, लिमिट आपको 1 से 3 तक दिया गया, dx करना है, तो 28 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपको लिमिट दिया गया है 0 से π/2 cos x dx, तो 29 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 30, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस k। क्वेश्चन नंबर 31, डी अपॉन डी एक्स लॉग रूट अंडर एक्स, तो इसका 31 का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1 अपॉन 2x। क्वेश्चन नंबर 32, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है, आपका डबल डिफ्रेंशिएशन है ये, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, -4 sin x 2। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी सही आंसर मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, सेट आई का क्वेश्चन नंबर 33, डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ए, तो 33 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 34, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एक्स रेस टू 4, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 24x। क्वेश्चन नंबर 35, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो इसका सही आंसर जो है 35 का वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2x a plus 2xa plus a upon 2 into root under x square plus x plus 1। क्वेश्चन नंबर 36, डी अपॉन डी एक्स 2e raised to 2x, 36 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, 4e raised to 2x। क्वेश्चन नंबर 37, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स रेस टू एन, तो 37 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, n अपॉन x। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये आपको दिया गया है, तो f कैसा फलन होगा आपको बताना है, तो सही आंसर जो है 38 का ऑप्शन नंबर बी है, अनेकक अंतःक्षेपी, इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन इन टू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें आपको बताना है, इसमें क्या होगा इसका सही आंसर 39 का, तो सही आंसर जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/3 × x + 4। ठीक है, एफ इनवर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -cosec inverse x। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि ए दिया है आपको, ठीक है, और बी दिया है, तो अल्फा का मान निकालना है, तो 41 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, टेन इनवर्स 1, तो ये तो बहुत आसान है, आपका 42 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, π/2 टेन इनवर्स 1 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका सही आंसर जो है 43 का ऑप्शन नंबर सी है, 0। क्वेश्चन नंबर 44, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपको दिया गया है इसका, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 44 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ये आपको इंटीग्रेशन है, कॉस 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, टेन इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 3, 46 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, -π/2। क्वेश्चन नंबर 47, ये ए की वैल्यू दी गई है आपको, ए स्क्वायर निकालना है, तो इसका सही आंसर जो है 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3a। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर
48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये आपको इसमें दिया गया है, तो लैम्डा का मान निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा का मान जो हो जाएगा आपका, ये डिटरमिनेंट दिया गया है ना, ए वेक्टर इक्वल टू टू, और तो लैम्डा का मान हो जाएगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मापांक यानी मॉडुलस क्या होगा, तो 50 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 51, ये आपका sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, tan x माइनस sec x प्लस k। ये हम लोग सेट आई कर रहे हैं, ठीक है, सेट आई कर रहे हैं, आप जो भी सेट कर रहे हैं उस हिसाब से आप मिलाते चलिएगा क्वेश्चन, वीडियो रोक रोक कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, तो क्या हो जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 52 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, tan x माइनस x प्लस k। क्वेश्चन नंबर 53, cot स्क्वायर x प्लस dx, तो इसका क्या हो जाएगा, 53 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस cot x माइनस x प्लस k। दोस्तों फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से मार के आए होंगे, 50 में 50 करके आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आपको x dx लिमिट दिया है 0 से 3, तो इसका 54 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, 9/2। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स लिमिट है 0 से 2, तो 55 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 14/3। क्वेश्चन नंबर 56, cos x dx लिमिट है 0 से π/2, 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1। वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सारे के सारे आंसर आपको सही सही मिल सके। थोड़ा लेट आता है लेकिन 100% सही आता है आपके लिए, और अच्छा आता है, साफ सुथरा आता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, dx अपॉन 1 प्लस x लिमिट दिया है 0 to 1, तो इसका 57 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, log 2। क्वेश्चन नंबर 58, log cot थीटा डॉट डी थीटा आपको लिमिट दिया है 0 to π/2, तो 58 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, 0। क्वेश्चन नंबर 59, आपको cos x ये दिया है, डिटरमिनेंट में दिया cos x dx और लिमिट दिया -π/2 से π/2, आपका सही आंसर जो है 59 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा डी थीटा आपको लिमिट दिया है 0 to π/2, 60 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, π/4। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, डी बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2xx² x², ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स, तो ये आपका 62 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, माइनस cosec² x अपॉन 2 रूट अंडर कॉट एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, बहुत बहुत आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाया जा रहा है, जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, साइन इनवर्स 3x - 4x³ डी ओपन डी एक्स क्या है आपका, तो इसका 63 का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3/1 रूट अंडर 1 - x². क्वेश्चन नंबर 64, डी अपॉन डी एक्स साइन रूट अंडर एक्स, तो 64 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1/2√x (cos√x), ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, डी अपॉन डी एक्स 2 tan inverse x, तो 65 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2/1 + x². क्वेश्चन नंबर 66, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, लिमिट आपको दिया गया है ये एक्स, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका 66 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 67, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स, तो 67 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, dx अपॉन x माइनस वन इंटीग्रेशन है, तो आपका 68 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, log x माइनस वन प्लस के। क्वेश्चन नंबर 69, अवकल समीकरण, ये आपका समीकरण दिया गया है किस कोटि की है, तो आपकी आपको कोटि बतानी है, 69 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2।
ठीक है, इसकी कोटि कितनी है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दो। क्वेश्चन नंबर 70, एक्स रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 2 प्लस 1 डी एक्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस के। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ये आपको दिया गया है ओमेगा का, और इसमें तो एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 71 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीरो। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आप वीडियो रोक रोक कर मिला सकते हैं कि आपके आपके सेट में कौन सा सेट आपका कहाँ क्वेश्चन है। चलिए 72 देखिए, आपको ए की वैल्यू दी गई है, तो ए प्लस ए इनवर्स आई 2 है, तो अल्फा निकालना है आपको, ठीक है, तो 72 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 73, एक वर्ग आयु है तो a प्लस इनवर्स ऐसे ही होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पूछ रहा है a प्लस इनवर्स क्या होगा, 73 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सममित अवयु, यानी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 74, आपको a दिया गया है, तो a स्क्वायर इक्वल टू b हो तो लैम्डा बताइए, तो 74 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ए इक्वल टू ये हो तो आपको बताना है, मैट्रिक्स ये दिया गया है, तो क्या होगा इसमें आपका, 75 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ए रेस टू 1 का अस्तित्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या है, किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या है, 76 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 78, ये दिया गया है आपको, a इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k और b इक्वल टू इतना, तो बताना है आपको, 77 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, a डॉट b इक्वल टू माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, a, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी माइनस जे। क्वेश्चन नंबर 80, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू बी क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर 81, ई रेस टू एक्स डी एक्स, लिमिट है 0 to 1, तो आपका 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, डी बाई डी एक्स, आपको कॉस 3x लिमिट दिया गया है, x x का 0, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 82 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। बस हो ही गया दोस्तों, 82 तक हो गया। 83 देखिए क्वेश्चन, 83 है डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स, तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2√x। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 85, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 85 का, ऑप्शन नंबर सी, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कॉट इनवर्स 1/x, तो 86 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, टेन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 87 ये आपको दिया गया है, इसमें बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 88 ये आपको दिया गया वैल्यू, ठीक है, 1001 0110, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का डी, 111, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, डी बाई डी एक्स 5 रेस टू x, तो 89 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, 5 रेस टू x डॉट लॉग ई 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, आपको 90 देखिए, ये क्या है, फाइव दिया है, 5x dx प्लस 5x dx, ठीक है, ये लिमिट क्या है, अल्फा टू बीटा, बीटा टू अल्फा, ये कुछ थोड़ा सा धीमा है, नहीं समझ आ रहा, तो इसका 90 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सेट आई हम लोग कर रहे हैं ना, सेट आई कर रहे हैं, ठीक है, तो मिला लीजिएगा उस हिसाब से अपना। क्वेश्चन नंबर 91, आपको ये दिया गया है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी, तो आपका ये बताना है, ए डॉट बी बताना है क्या होगा, तो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 0। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बहुत सही, बहुत अच्छा आप लोग बना के आए होंगे, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। 92 देखिए, I dot J cross K, तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, 1। क्वेश्चन नंबर
93 देखिए, log x dx इंटीग्रेशन क्या होगा 93 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x log x माइनस x प्लस के, ठीक है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 ये n कैप स्क्वायर दिया गया है, तो क्या होगा 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, आपको ये सरल रेखा एक्स वाई जेड दिया गया है, तो अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं, ठीक है तो इसमें आपका 95 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सरल रेखाएं आपको दी गई हैं 2xy इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड, तो 6y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4z के बीच का कोण, 96 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, यदि ए बी और सी तीन स्वतंत्र घटनाएं हो तो, ठीक है तीन स्वतंत्र घटनाएं हो तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 97 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है पी ए बी सी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी। क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए जरूर, ठीक है आपके लिए लाते हैं 100% सही, मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ा लेट लाते हैं लेकिन सही लाते हैं, ठीक है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सही से सही जानकारी मिल सके, सही से सही आपको आंसर मिल सके, ठीक है बेल आइकन को भी दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पी ए प्लस पी इनवर्स क्या होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा 98 का ऑप्शन नंबर बी होगा 98 का 1। अरे किसी भी घटना में प्रोबेबिलिटी में आप पढ़े होंगे तो वही है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आपको दिया गया 1 माइनस पी इनवर्स, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका 99 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16, ठीक है ठीक है। तो ये था आपका 100% सही, अगर किसी सवाल में ये हो डाउट हो या कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सही से सही जानकारी मिल सके और सारे के सारे सब्जेक्ट का सही आंसर मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।